I'm ready to shave. Gold is gold. फाइनली सिंपल फंडा है, ज़्यादा मेहनत करी है, अभी थोड़ा क्लीन कर दिया। Now I clean my beard और अभी बात टाइम, उसके बाद हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। तो गाइज आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शायद मैं जितना सोच रहा हूँ वो शॉर्टकट में बनाऊँगा आज। और मैं जाऊँगा लंकेश्वर जो गुवाहाटी का एक टेम्पल है, ये जालुकबारी स्थित है और आपको बहुत ही पसंद आएगा, ये लंकेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस है और मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, ब्रुम ब्रुम कम ऑन। तो मैं अभी निकल चुका हूँ घर से, अभी नूनमाटी पहुँचने वाला हूँ, तो जाएंगे धीरे धीरे करके क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो करता हूँ और एक हाथ से बाइक चलाता हूँ, थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैं आपको पूरी तरह से कई कई जगह मैं आपको नहीं दिखा पाता हूँ, इसीलिए मैं आई एक्सप्लेन मे सॉरी फॉर दैट। जब यूट्यूब से पैसा मिलेगा मैं ज़रूर एक अच्छा कैमरा खरीदूँगा और आपको सब कुछ दिखाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रास्ता जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अंदर से कैंपस के अंदर से, और एक रास्ता जाता है बाईपास। मैं अभी बाईपास रोड से ही जा रहा हूँ और आप लोग अगर चाहें तो अंदर से भी आ सकते हैं। फाइनली मैं जिस जगह पहुंचना चाहता था मैं ऑलरेडी वो जगह पहुंच चुका हूं, वो ठीक मेन रोड पे ही है, आप लोग देख सकते हैं। और एक्चुअली यहां पे बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहां पे धूमपान करना मना है और ये सब जगह में अड्डा मारना भी मना है, रेस्ट्रिक्शन है मतलब। दिस इज़ नॉट अ डेरिंग प्लेस, आई नो दैट, बट यू कैन विजिट एनी टाइम इन दिस टेम्पल, दिस इज कॉल्ड लंकेश्वर टेम्पल। बहुत टायर्ड हो गया, सीढ़ी चढ़ के फाइनली पहुंच गया। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं। मंदिर के अंदर बाद में जाएंगे, अभी ये सीढ़ी से कहाँ जाते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या है अंदर में। यहाँ पे भी यहाँ पे आपको जितना सीढ़ी दिख रहा है ना, मैं वही देख रहा था। हर सीढ़ी में किसी का नाम लिखा हुआ है, शायद हर सीढ़ी जो है वो कोई ना कोई डोनेट किया होगा इसीलिए लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है यार। उम्र हो गई क्या, इतना जल्दी थक जाता हूँ आजकल। अंदर में अगरबत्ती जलाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में बत्ती और अगरबत्ती लगाने का जगह दिया हुआ है इन दिस प्लेस।
एक्चुअली मैं जो एक अंदर में मंदिर है, मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये टेम्पल किस लिए बनाया है। और ये जो अंदर में पत्थर दिख रहा है मेरे पीछे, ये बहुत बड़ा एक पत्थर है और नीचे में शिवलिंग दिया गया है, तो शायद ऐसे कुछ होगा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मतलब ये रावण का, रावण एक्चुअली शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो इसलिए वो शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होके वो लंकेश्वर नाम दिया गया है। लंका मतलब रावण का, रावण का नाम है और ईश्वर मतलब भगवान, तो इसलिए उनके ऊपर, रावण के ऊपर प्रसन्न होके शिव जी ने लंकेश्वर नाम दिया था। और ये इनके बोलने के अनुसार ये है कि आपका जो पहले तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद महादेव जी उनको बोला कि जो शिवलिंग मैं आप तुमको दूंगा, जहाँ पे रखोगे वहाँ पे प्रतिष्ठा हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे आके इस जगह में ही प्रतिष्ठा हो गया। वो आप लोग पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा, ऐसे में इन्होंने बोला है, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके दे दिया हूँ। ये जो आप लोगों ने देख रहे हैं ना, ये जो बड़ा पत्थर के बारे में मैं बोला था, ये महादेव का शिवलिंग है। और ये साइड में जो ये है, ये गणेश है। और ये साइड में जो और एक पत्थर आपको दिख रहा है ना, वो आपका पार्वती है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो चलिए इनको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये तो था मेन लंकेश्वर टेम्पल का कहानी, और नीचे में और एक टेम्पल है, हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। ये ख़ास तौर से हनुमान जी के ऊपर मंदिर बनाया गया है, और एक्चुअली में क्या है, अभी सनलाइट ईस्ट के तरफ से आ रहा है, तो इसीलिए शाइनिंग अंधेरा हो रहा है। सनलाइट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आता तो अच्छा से मैं फ़ोटो ले पाता, मगर अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ मॉर्निंग नाउ, सो दैट इज़ व्हाई आई कैंट शो यू प्रॉपरली। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये बैक साइड वाला पोर्शन है, नीचे में है, और ऊपर में जाने से आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पास अगर ड्रोन होता तो ये बहुत अच्छा फ़ोटो का व्यू ले पाते, मगर अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो ड्रोन, सो दैट इज़ वाई मैं अभी मोबाइल से ही काम चला रहा हूँ। यू नो दैट कि मैं एक मोबाइल ब्लॉगर हूँ, सो दैट इज़ वाई पिक्चर क्वालिटी जो आएगा वही आएगा। मगर ये जो आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं ना, स्टेच्यू, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये 2016 के 8 अगस्त में इसको प्रतिष्ठा किया था एक ही व्यक्ति ने, जो मैं आपको नीचे में शनि मंदिर दिखाया था ना, वही शनि मंदिर जो बनाया था, यही वही आदमी बना के ये डोनेट किया था। और उनका नाम है अनादर ठाकुरिया। ये आप, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कितना बड़ा स्टेच्यू बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मेरा, मैं आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप कभी भी आएंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चलिए थोड़ा पूजा भी कर लेते हैं।
तो गाइस आज मंदिर आया था, मंदिर का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कई अननोन पर्सन है जो लंकेश्वर टेंपल के बारे में मालूम नहीं है उनको और आना भी चाहते हैं, और अगर बाहर का आदमी है, असम का बाहर का आदमी है, तो डेफिनेटली आप लोग शेयर करिएगा ताकि टूरिस्ट लोग असम में ज़रूर आए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, और राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और आप लोग मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली यू हैव टू डू दैट, बिकॉज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय।